मध्य प्रदेश में सोमवार से सक्रिय हुए मॉनसून का असर नर्मदांचल में भी देखने को मिला। दोपहर से शहर के अलावा पूरे इलाके में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ। इधर पहाड़ी इलाकों में देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण सुकतवा नदी फिर उफान पर आ गई। रात में मरीज को लेकर भोपाल जा रही एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई थी। संदेश मिलते ही आर्मी अफसरों ने आपातकाल में निर्माणधीन बैली ब्रिज से एम्बुलेंस को रास्ता पार कराया, जिससे मरीज की जान बच गई। बाढ़ की वजह से नदी पर इतना ज्यादा पानी है कि रात में उतरना मुश्किल है। आर्मी जवानों ने एक बार फिर से अपनी जाबाजी का परिचय दिया है। पुल पर पानी चढ़ने के कारण सुबह केसला पुलिस ने हाईवे के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी। इस वजह से भोपाल नागपुर हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम में सैकड़ों ट्रक, यात्री बसें, टैक्सियां एवं निजी वाहन फंसने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुल पर जिस तेजी से जल भराव हुआ है, उसे जल्द हाईवे पर यातायात बहाल होने की संभावना नहीं है। उधर बैक वाटर जमा होने के बाद तावा बांध के 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। सुकतवा नदी पर बन रहे बैली ब्रिज की वजह से जिला प्रशासन ने NHI द्वारा बनाए गए स्थायी पुल पर यातायात प्रतिबंधित कर हरदा बैतूल होकर ट्रैफिक बाईपास किया था। पुल पर हल्का पानी होने के कारण वाहनों को पुल से ही आवाजाही की अनुमति दी गई थी, लेकिन दोपहर में अचानक नदी पर 2 फीट पानी जमा हो गया। पुलिस के अनुसार रात से ही पहाड़ी इलाकों में तेज वर्षा होती रही, लेकिन तावा बांध में गेट बंद होने के पूरा बैक वाटर सुखतवा नदी में तेजी से जलस्तर बढ़ने लगा। रात 8 बजे तक पुल पर पानी होने के कारण हाईवे बंद था। केसला पुलिस के अनुसार करीब 95 किलोमीटर का फेरा होने के कारण सारे वाहन चालक पानी उतरने के इंतजार में जाम में फंसे हुए हैं। सामने आदमी निकल गए।